हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैक माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं हम आपको कि माइक्रोवेव ओवन को कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन के स्क्रूज़ को खोल लें। दोस्तों, सारे स्क्रू खोलने के बाद इसकी बॉडी को रिमूव करना होगा माइक्रोवेव ओवन से। सारे स्क्रू खुल चुके हैं, आइए इसकी बॉडी को रिमूव करते हैं। चलो दोस्तों, बॉडी को हमने खोल दिया है, अभी ओवन को चेक करते हैं। हमने एक बॉल में पानी लिया और ओवन को 30 सेकंड पे सेट कर दिया। चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। हेलो फ्रेंड्स, टाइम हमारा पूरा हो चुका है, अभी हम पानी को चेक करते हैं। दोस्तों, जैसे चेक किया कि पानी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। अभी दोस्तों, इसके पार्ट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट्रॉन की जो जिक लगी हुई है, जिक को खोल लें और इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। ओके दोस्तों, कंटिन्यूटी ठीक है, और एक बार ग्राउंड चेक कर लें, कहीं शॉर्ट तो नहीं ना हमारा मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन तो ठीक है, अभी हम डायोड और कैपेसिटर को चेक कर लें, कहीं हमारा डायोड और कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं ना। दोस्तों, डायोड भी ओके है और कैपेसिटर भी ओके है। अभी हम इसके फ्यूज़ को चेक करते हैं। दोस्तों, फ्यूज़ को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमें वायर को खोलना होगा पहले, फिर ही हमारा फ्यूज़ ओपन होगा। चलो दोस्तों, फ्यूज़ हमारा ओपन हो चुका है, अभी चेक करते हैं फ्यूज़ को। दोस्तों, जैसे कि हम चेक कर रहे हैं, फ्यूज़ हमारा ख़राब है। चलो फ्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं, हमने नया फ्यूज़ सेट कर लिया है। अभी दोबारा ओवन को चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने दोबारा बॉल को सेट कर लिया है ओवन के अंदर, और हम दोबारा 30 सेकंड पे सेट करके स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं दोस्तों अभी क्या रिज़ल्ट आता है। दोस्तों, ओवन को चेक करने के पहले वोल्टेज को अभी एक बार चेक कर लें। कई बार वोल्टेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वोल्टेज कम हो तो अभी भी हमारा ओवन प्रॉपरली वर्क नहीं करता। चलो दोस्तों, चेक करते हैं। गर्म तो हुआ दोस्तों, बट प्रॉपर हीट नहीं हुआ। अभी हम वोल्टेज को बढ़ाया है, पहले वोल्टेज हमारा 150 था, अभी हमने 220 पे सेट किया है, और हमने ऊपर क्लैंप मीटर लगा दिया है। अभी चेक करते हैं दोस्तों क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए दोस्तों, हमारा ओवन अभी 6 एम्पीयर ले रहा है। अभी दोबारा 30 सेकंड पे सेट कर दिया है। इसका मैग्नेट्रॉन कैपेसिटर डायोड भी ठीक था, फिर हमारा फ्यूज़ ही ओपन हुआ था। अभी फ्यूज़ को रिप्लेस करके हम दोबारा टेस्टिंग के लिए लगा दिए। ओके, देखिए दोस्तों अभी क्या रिज़ल्ट आता है। टाइम पूरा हो चुका है, अभी पानी को चेक करते हैं। दोस्तों, अभी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा ओवन। देखिए दोस्तों, 6.5 एम्पीयर ले रहा है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। आइए दोस्तों, दिखाते हैं पानी कितना गर्म हुआ है। Thanks to watching.